अगर कुत्ता काटता है तो पीड़ित को 10,000 रुपए प्रति दांत के निशान के आधार पर मुआवजा दिया जाए। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने अपने फैसले में आदेश दिया है। कोर्ट ने पंजाब हरियाणा की सरकार से कहा है कि अगर कुत्ते के काटने से किसी के शरीर में घाव होता है या फिर मांस निकल जाता है तो प्रति 0.2 सेंटीमीटर घाव के लिए कम से कम 20,000 रुपए का मुआवजा दिया जाए। हाई कोर्ट के जस्टिस विनोद एस भारद्वाज की पीठ ने सरकारों कड़ी फटकार भी लगाई। कोर्ट ने कहा, मौतों की बढ़ती दर और सड़कों पर आवारा पशुओं की बढ़ती संख्या डराने वाली है। डॉग बाइट के केस इतने बढ़ रहे हैं कि लोगों को कोर्ट तक पहुंचना पड़ रहा है। इसने मानव जीवन पर असर डालना शुरू कर दिया है, इसलिए राज्य सरकारों को अपने कंधों पर जिम्मेदारी लेनी चाहिए। हाई कोर्ट आवारा जंगली जानवरों के अचानक वाहन के सामने आ जाने से लगने वाली चोट या फिर मौत के कारण होने वाली घटनाओं और मुआवजे से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा था। कोर्ट ने अपने फैसले के बाद 193 याचिकाओं का निपटारा भी किया। आदेश के दौरान कोर्ट ने ऐसी घटनाओं की शिकायत मिलने पर पुलिस को तत्काल कार्रवाई के आदेश दिए। राज्य सरकार को गाइडलाइंस बनाने को भी कहा। साथ ही कुत्ते के काटे जाने पर SHO को बिना किसी देरी के DDR यानी डेली डायरी रिपोर्ट दर्ज करने का आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि पुलिस अधिकारी किए गए दावे की जांच करेगा, गवाहों के बयान लेगा और फिर घटनास्थल की रिपोर्ट तैयार करेगा। हाई कोर्ट ने फैसले में कहा कि मुख्य रूप से मुआवजे का भुगतान करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी। कुत्ते के काटने के बाद अगर कोई जरूरी डॉक्यूमेंट के साथ मुआवजे का आवेदन करता है तो उसे इस पर तत्काल कार्रवाई की जाए। आवेदन के बाद सारी फॉर्मेलिटीज करके 4 महीने के अंदर मामले का निपटारा किया जाए। WHO की रिपोर्ट बताती है कि पिछले कुछ सालों में दुनिया भर में कुत्तों को काटने से रेबीज के मामले बढ़े हैं। हर साल दुनिया में रेबीज के जितनी मौतें होती हैं उनमें से 36% मौतें सिर्फ भारत में ही हो रही हैं। यानी रेबीज से होने वाली हर 100 में से 36 मौतें भारत में ही होती हैं। WHO के मुताबिक देश में कुत्तों के काटने से हर साल 18,000 से 20,000 मौतें हो रही हैं, जबकि पूरी दुनिया में हर साल 55,000 से ज़्यादा लोगों की जान जा रही है। साल 2022 में देश में हर दिन डॉग बाइट के 5,739 केस सामने आए, जबकि नवंबर 2022 के पार्लियामेंट के डेटा के मुताबिक साल 2019 से 2022 तक देश में 16 मिलियन यानी 1,60,00,000 डॉग बाइट के मामले सामने आए, यानी हर दिन करीब 11,000 मामले सामने आए। बता दें कि हर 5 साल में आवारा जानवरों की गिनती होती है। आखिरी बार साल 2019 में आवारा पशुओं और कुत्तों की गिनती हुई थी, जिसके मुताबिक देश में 1.53 करोड़ आवारा कुत्ते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा 20,00,000 से ज़्यादा कुत्ते सिर्फ यूपी में हैं। खास बात यह है कि 2012 की तुलना में 2019 में आवारा कुत्तों की संख्या में कमी आई है। 2012 में आवारा कुत्तों की आबादी 1.71 करोड़ से ज़्यादा थी। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसे ही वीडियो के लिए बने रहिए न्यूज़ 18 हिंदी ओरिजिनल्स के साथ।